Sushma ji. Please, please, please. Please, statement कर रही ना, बैठी है ना. Please, please. Behtab ji, please. Important statement is there. Please, please. Please listen to me. Please, आप बाद में अलाउ करूंगे, अभी तो बैठो, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो रहा है. धन्यवाद अध्यक्ष. बैठिए. बैठिए 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 ना. प्लीज चिल्लाओ मत ऐसे. अब इनका चिल्लाना हो गया, आप मत चिल्लाओ. बैठिए बैठिए. यस. मैं बहुत ही संजीदा विषय पर प्लीज प्लीज बात करना चाह रही हूँ. चाहूंगी सदन से प्रार्थना करूंगी कि एक शांतिपूर्ण वातावरण मुझे दें. अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारतीय नागरिक श्री कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में अवैध हिरासत के संबंध में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बारे में सदन को अवगत कराना चाहती हूं. जैसा कि सदन को पता है कि 25 दिसंबर 2017 को श्री जाधव की मां और पत्नी ने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की. ये मुलाकात राजनयिक माध्यमों से तय कराई गई थी. अध्यक्ष जी, अप्रैल 2017 में मैंने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें श्री जाधव की सुरक्षा और कल्याण के लिए और उनको गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया था. और सदन को ये जानकारी है कि उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में श्री जाधव के पक्ष में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका के फलस्वरूप हम अस्थायी तौर पर उनके मृत्युदंड को रुकवाने में सफल रहे हैं. अध्यक्ष जी, ये मृत्युदंड श्री जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा एक उपहासास्पद तरीके से चलाए गए मुकदमे में सुनाया गया था. श्री जाधव के जीवन पर मंडरा रहे खतरे को अभी टाल दिया गया है, लेकिन हम अब और अधिक मजबूत तर्कों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा उन्हें स्थायी राहत दिए जाने का प्रयास कर रहे हैं. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदन को यह भी बताया था कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके परिवार से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं. इसलिए यह स्वाभाविक था कि हम उनके परिवार के सदस्यों की श्री जाधव से मिलने की इच्छा पूरी करने में सहायक बने ताकि वो स्वयं उनसे मिलकर उनके कुशल क्षेम के बारे में जान सकें. हम राजनयिक माध्यमों से निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहे जिसके चलते इस महीने पाकिस्तानी अधिकारियों ने श्री जाधव को उनकी मां और पत्नी से मिलने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी. अध्यक्ष जी, ये भेंट आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम साबित हो सकती थी, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हटकर इस मुलाकात का आयोजन किया गया. 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भावभरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. अध्यक्ष जी, परसों विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर दी थी और कल, अभी जो कल बीता है, उस कल में हमने इस मुलाकात से उपजी आपत्तियों को अपने राजनयिक माध्यमों के जरिए से पाकिस्तान को बता दिया है. उनमें से कुछ का उल्लेख मैं आपकी अनुमति से सदन में करना चाहूंगी. पहला, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री जाधव की मां और पत्नी के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान भी किया गया. उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें ताने उलाने दिए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का कुप्रयास किया गया. दूसरा, अध्यक्ष जी, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए. श्री जाधव की मां जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने के लिए मजबूर किया गया. अध्यक्ष जी, मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि पत्नी की बिंदी चूड़ियां और मंगलसूत्र उतरवा दिए, लेकिन हकीकत यह है, आज मेरी उनसे बात हुई है, केवल पत्नी के नहीं
मां के भी बिंदी चूड़ी और मंगलसूत्र करवा दिए गए। पर आज जब मैंने उनसे बात की, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन था, ये दुविधा थी कि ये घटना केवल पत्नी के साथ घटी या मां के साथ, मैं सदन में कोई गलत बयानी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने मां से बात की। तो मां ने मुझे कहा कि हां सुषमा जी, मेरा भी मंगलसूत्र उतरवाया, बिंदी उतरवाई, और जब वो मेरा मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैंने उससे कहा ये मेरे सुहाग का चिन्ह है, मैं कभी आज तक इसको उतारती नहीं, इसको रहने दे। तो उसने कहा जी मैं तो हुक्म बजा रही हूं, मुझे जिस तरह का हुक्म दिया गया है मैं उससे अलग नहीं कर सकती, मैं तो उतरवाऊंगी। और आगे उन्होंने भर्राए हुए गले से कहा कि यही एक कारण था कि जब मैं मीटिंग में गई तो बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे ये कहा, बाबा ठीक है, कहते उसके बाद मुझे ये लगा कि मेरे माथे की बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ अशुभ घट गया है। तो मैंने उसे कहा ठीक है। फिर जब उसने पत्नी के गले की तरफ देखा कि उसका भी मंगलसूत्र नहीं है, उसके भी माथे पे बिंदी नहीं है, तो उसे लगा कि मां झूठी दिलासा नहीं दे रही, शायद सिक्योरिटी के नाम पर इन दोनों का मंगलसूत्र उतार दिया गया है, इनकी बिंदी और चूड़ी उतार दी गई है। मैं कहना चाहूंगी वो कर्मचारी छोटी वो बेअदबी नहीं कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान के शासकों ने बेअदबी की इंतहा करवाई है, उनके सुहाग के चिन्ह उनसे छिनवा कर। अध्यक्ष जी, जाधव की मां अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, प्लीज। अध्यक्ष जी, श्री जाधव की मां अपने बेटे से, सलीम व्हाट इज ऑल दिस थिंग, व्हाई यू आर सेइंग समथिंग, अपने बेटे से भी अध्यक्ष जी बहुत ही संजीदा विषय है, प्लीज Please, बहुत ही संजीदा विषय है, quiet। मैं चाहूंगी कि सदन में गंभीरता बनी रहे और ये बयान, प्लीज। अध्यक्ष जी, श्री जाधव की मां अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मां और बेटे के लिए अपनी मातृभाषा में ही बात करना सुविधाजनक होता है, किंतु श्री जाधव की मां को मराठी में बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई, और मीटिंग में साथ बैठी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया, लेकिन जब वो अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि बातचीत हो ही ना सके। अध्यक्ष जी, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जो परिवार के साथ इस मुलाकात के लिए गए थे, उनको बिना बताए परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा दिए गए हैं। अगर वो इसको देख लेते तो वो वही विरोध जताते और कभी भी मीटिंग में उन्हें इस तरह से नहीं जाने देते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में बैठक शुरू कर दी गई। थोड़ी देर में जब उन्होंने पूछताछ की कि वो लोग कहाँ हैं, तब कहा कि वो तो मीटिंग में चली गई हैं, और उसके बाद उनको बैठक में ले जाया गया। अध्यक्ष जी, मुलाकात के बाद जो कार श्री जाधव के परिवार और भारतीय राजनयिक को ले जाने के लिए रखी गई थी, उसे जानबूझकर रोक कर रखा गया ताकि मीडिया को उन्हें परेशान करने का एक और मौका मिले, वो पुनः जाधव की मां और पत्नी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर सकें और उन पर भद्दे कटाक्ष कर सकें। अध्यक्ष जी, श्री जाधव की पत्नी के जूते मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उसने अपने जूते मांगे तो बार बार मांगने पर भी उसके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया, लेकिन हमारी आशंका सच साबित हो गई। अब दो दिन से ये चल रहा है, कभी कहते हैं कि जूते में रिकॉर्डर था, कभी कहते हैं कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी। इससे ज्यादा बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता अध्यक्ष जी, कि जो महिला उन्हीं जूतों को पहनकर यहां से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर और दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंची हो और दो दो जगह एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पास कर चुके हों, वो जूते वो पाकिस्तान में जाकर के उनमें रिकॉर्डर रख दिया गया और उनमें ये रख दिया गया, शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इन जूतों में बम रख दिया गया। तब एब्सर्ड बातें कर रहे हैं वो लोग।
और वो तो वापसी में मांग रही थी जूते, आपने मीटिंग में तो वो जूते पहनवाए नहीं, तो वो तो वापसी में अपने घर आने के लिए मांग रही थी। लेकिन कोई ना कोई दुष्टता, कोई ना कोई शरारत करने की एक साजिश रचने के लिए उसके वो जूते वहां रख लिए गए, मगर हमने नोट वर्बाल में उन्हें इस बारे में सचेत कर दिया है। अध्यक्ष जी, मुलाकात से लौटने के बाद उनकी माँ और पत्नी ने मुझे बताया कि श्री कुलभूषण जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबाव में बोल रहे थे। जैसे जैसे उनकी मुलाकात में बातचीत आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि उनके कैद करने वालों ने उनको जो सिखा पढ़ाकर भेजा था वो वही बोल रहे थे और इसका उद्देश्य उनकी तथाकथित गतिविधियों की झूठी दास्तान को सही साबित करना था। उनकी बोलचाल और हावभाव से पता लग रहा था कि वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव की उनकी माँ और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग से मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का केवल उल्लंघन ही उल्लंघन हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी बातें सुनने के बाद ये समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अत्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुरजोर निंदा करेंगे और जाधव के परिवार के साथ और श्री जाधव के परिवार के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।